आकाशवाणी जलंधर है। हुण तुसी अमन देव तों खबरां सुनो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों नूं भ्रष्टाचार दा रल के मुकाबला करन लई कहा है। उन्होंने शासन प्रबंध विच पारदर्शिता लियाउण लई भारत की मजबूत वचनबद्धता पक्की कीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत विच देश दा विकास इंजन बनने की समर्था मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा बिल 2023 नूं मंजूरी दे दित्ती है। देश विच सीधे टैक्सां की कुल वसूली 16% के वाधे नाल 6.53 लाख करोड़ रूपये ते पहुंच गई है। चेन्नई च एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हाकी टूर्नामेंट के फाइनल च अज शामी भारत का मलेशिया नाल मुकाबला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कहा कि भारत की भ्रष्टाचार नूं बिल्कुल बर्दाश्त न करने की सख्त नीति है। उन्होंने लोगों नूं रल के इसका मुकाबला करने लई कहा। कोलकाता च G20 की भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री पदरी मीटिंग नूं वर्चुअली संबोधन करदिआं प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार खत्म करन ते राज प्रबंध विच पारदर्शिता लियाउण दी भारत दी मजबूत वचनबद्धता पक्की कीती। उन्हां कहा कि भ्रष्टाचार दा सब तों वध असर गरीबां ते कमजोर तबकिआं वल्लों महसूस कीता जांदा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज कहा कि पूर्वी भारत विच देश दा विकास इंजन बनन दी समर्था है। प्रधानमंत्री मोदी अज पछमी बंगाल के कोलाघाट विखे खेतरी पंचायती राज परिषद के उद्घाटन दौरान भारतीय जनता पार्टी के वर्करां नूं संबोधन कर रहे सन। श्री मोदी ने अज विरोधी धिर इंडिया ते तिखा हमला करदिआं कहा कि वह मणिपुर मुद्दे ते चर्चा नहीं चाहती। श्री मोदी ने पछमी बंगाल विच हाल विच ही हुई पंचायती चोणां नूं लैके सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस TMC उत्ते भी तिखा हमला किया। श्री मोदी ने TMC उपर बंगाल दीआं पंचायती चोणां च धांधली करन दा दोष लाया ते कहा कि वोटरां नूं डराया धमकाया जा रहा है। BJP प्रधान JP नड्डा भी उद्घाटन मौके मौजूद सन। श्री नड्डा अपने पछमी बंगाल दौरे दौरान 2024 दीआं लोकसभा चोणां दीआं तैयारियां दी समीक्षा लई बंगाल BJP कोर कमेटी संसद मैंबरां ते विधायकां नाल मीटिंगां करनगे। अज तों शुरू हो रही पूर्वी पंचायती राज परिषद वर्कशाप च अंडेमान निकोबार टापू उड़ीसा ते झारखंड समेत पूर्वी खेतर दे 134 वर्करां ते जिला परिषद मैंबर शामिल हो रहे ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज मध्य प्रदेश विच सागर विखे 4000 करोड़ रूपये तों वध दे प्रोजैक्टां दा उद्घाटन करनगे ते नींह पत्थर रखणगे। ओ इक जनसभा नूं भी संबोधन करनगे। श्री मोदी सागर च बरटूमा विखे संत रविदास मंदिर ते यादगार लई अज दुपहर 2:30 बजे भूमि पूजन करनगे। श्री मोदी भारतमाला प्रोजैक्ट तहत 1582 करोड़ रूपये की लागत नाल बनण वाले 2 सड़क प्रोजैक्टां दा नींह पत्थर भी रखणगे। इह सड़कां सांची दे बुद्ध स्तूपां तक पहुंच नूं आसान करनगियां। प्रधानमंत्री 2500 करोड़ रूपये की लागत नाल बने कोटा बीना रेल रूट ते दोहरीकरण का भी उद्घाटन करनगे। प्रधानमंत्री दे प्रोग्राम के मद्देनजर बरटूमा दाना ते नाल लगते 3 किलोमीटर के इलाके नूं उड़ान रहित जोन ऐलानिया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ते केंद्र ते राज सरकार के कई मंत्री प्रोग्राम विच हाजिर रहणगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारत अज विश्व पद्धर ते वधेरे सरगर्म है ते वड्डे मुद्दयां ते सिद्धांतां नूं रूप दे रहा है। आकाशवाणी न्यूज नाल एक विशेष इंटरव्यू विच विदेश मंत्री ने कहा कि G20 नूं पूर्व ते पश्चिम दरम्यान खप्पे नूं पूरना होगा ते नाल ही उत्तर दक्षण वंड दा भी हल लभना होगा। उन्हां अगे कहा कि यह वड्डी जिम्मेवारी है ते अज जोर इस गल ते है कि G20 सही समस्यावां ते ध्यान केन्द्रित करे। विदेश मंत्री दी एक खास इंटरव्यू अज राती 9:15 बजे 100.1 FM गोल्ड चैनल ते आकाशवाणी न्यूज दीआं होर फ्रीक्वेंसियां ते सुनी जा सकती है। ए खबरां तुसीं आकाशवाणी जलंधर तों सुन रहे हो। पार्लीमेंट दीआं दोहां सभावां वल्लों पास कीते जाण मगरों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा बिल नूं मंजूरी दे दित्ती है। राज्यसभा ने 9 अगस्त नूं सर्वसम्मति नाल बिल पास कीता सी जदकि लोकसभा ने 7 अगस्त नूं जुबानी वोटां नाल इस नूं मंजूरी दित्ती सी। बिल दा उद्देश व्यक्तियां वल्लों अपना डाटा सुरक्षित रखण दे अधिकार नाल लोड़ पैण ते इस दी कानूनी प्रोसैसिंग दे प्रबंध नूं संतुलित करना है। बिल विच भारतीय डाटा सुरक्षा बोर्ड कायम करन दा भी प्रबंध है। कुल सीधे टैक्सां तों वसूली पिछले साल दे मुकाबले लगभग 16% वध के 6,53,000 करोड़ रूपये हो गई है।
सीधे टैक्सा बारे केन्द्रीय बोर्ड CBDT ने कहा कि टैक्स वसूली के अस्थाई अंकड़े अनुसार वाधा लगातार जारी है। रकमां दे समायोजन दे बाद शुद्ध टैक्स रकमां 5,84,000 करोड़ रूपये ने जो पिछले साल की इसे म्याद नालों 17% वध ने। यह रकमां 2023-24 लई सीधे टैक्सा के कुल बजट अनुमाना के 32% तो वध ने। CBDT ने कहा कि इस साल 1 अप्रैल तो 10 अगस्त दरमियान 69,000 करोड़ रूपये के रिफंड जारी किए गए ने जो पिछले साल की इसे म्याद दौरान जारी किए गए रिफंड तो 3.73% वध ने। केंद्रीय सूचना ते प्रसारण खेडां ते नौजवान मामलों बारे मंत्री अज चेन्नई के 2 दिन दौरे ते होणगे। श्री अनुराग ठाकुर अंतरराष्ट्रीय यूथ डे समारोहों के हिस्से वजों कराई जा रही एक अंतरराष्ट्रीय यूथ कानफ्रेंस विच हिस्सा लैणगे। इसका आयोजन नौजवान मामलों बारे मंत्रालय वालों यूनीसैफ ते युवा नाल सहयोग राही कीता गया है। मंत्री बाद विच सूचना ते प्रसारण मंत्रालय दीआं सारीआं मीडिया इकाइयां दे खेतरी मुखियां नाल भी मीटिंग करनगे। ओ अज एशियन हॉकी चैंपियनशिप दा फाइनल मैच भी देखणगे। जांच विच शानदार कारगुजारी लई 140 पुलिस मुलाजमां नूं साल 2023 वास्ते यूनियन होम मिनिस्टर्स मैडल प्रदान कीते गए ने। पुरस्कारां दा ऐलान हर साल 12 अगस्त नूं कीता जांदा है। यह तमगा 2018 विच शुरू किया गया सी जिसका उद्देश्य अपराध की जांच के उच्च पेशेवर म्यारां नूं उत्साहित करना अते जांच विच अजिही महारत नूं मानता देना है। गृह मंत्रालय के अनुसार यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले मुलाजमों में 15 CBI तो 12 NIA तो 10 उत्तर प्रदेश तो 9 केरला ते राजस्थान तो 8 तमिलनाडु तो 7 मध्य प्रदेश तो 6 गुजरात ते बाकी राज्यां केंद्र शासित प्रदेशां ते संगठनां तो ने। दहशतगर्द तड़े ISIS दीआं दहशतगर्द गतिविधियां च कथित सरगर्म शमूलियत लई पुणे ISIS मॉड्यूल केस विच शामिल साकिब नचान नूं गिरफ्तार कीता है। एक केस विच NIA वल्लों 6वीं गिरफ्तारी है। महाराष्ट्र विच थाने जिले दे वासी मुलजम नूं दहशतगर्द कार्रवाई करन लई फोटक यंत्र बनाउण सिखलाई ते टेस्टिंग च शामिल पाया गया सी। जम्मू कश्मीर विच सख्त सुरक्षा प्रबंधां दरमियान 900 तों वध शरधालुआं दा 38वां जत्था अज सवेरे जम्मू दे भगवती नगर यात्री निवास तों श्री अमरनाथ जी दी पवित्र गुफा दे दर्शनां लई कश्मीर दे बालटल ते पहलगाम दोहां आधार कैंपां लई रवाना होया। आकाशवाणी दे जम्मू वाले पत्र प्रेरक ने दस्सिया कि कुल 915 शरधालु भगवती नगर आधार कैंप जम्मू तों सख्त सुरक्षा प्रबंधां हेठ कश्मीर वादी लई रवाना होए। श्री अमरनाथ जी की यात्रा के सिर्फ 42 दिन अंदर 4,30,000 तो वध रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने रजिस्टर किया गया जो कि पिछले साल की गिनती नालों बहुत ज्यादा है। यह यात्रा 31 अगस्त को सौण की पुन्या ते रखड़ी के त्यौहार के नाल समाप्त होगी। चेन्नई च मर्दां दी एशियन चैंपियंस हाकी ट्रॉफी के फाइनल विच अज भारत दा मलेशिया नाल मुकाबला होगा। मैच रातीं 8:30 बजे शुरू होगा। भारत कल सैमीफाइनल च जापान नूं 5-0 नाल हरा के फाइनल च पहुंचिया सी। एक होर सैमीफाइनल च पिछली शाम मलेशिया ने कोरिया नूं 6-2 नाल हराया। अज ही तीजे ते चौथे स्थान लई जापान ते दक्षिणी कोरिया भी आमो सामने होणगे। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अगले 4 दिनों दौरान उत्तराखंड विच भारी तो बहुत भारी बारिश की पेशीनगोई की है। विभाग ने बिहार सिक्किम अरुणाचल प्रदेश असाम ते मेघालय विच अज ते कल भारी तो बहुत भारी मीह की भी पेशीनगोई की है। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अज देश के बाकी हिस्सों विच घट बारिश की संभावना है और इस तों बाद मानसून के मुड़ सरगर्म होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों नूं भ्रष्टाचार का रल के मुकाबला करन लई कहा। उन्होंने शासन प्रबंध विच पारदर्शिता लियाउण लई भारत की मजबूत वचनबद्धता पक्की कीती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूर्वी भारत विच देश का विकास इंजन बनने की समर्था मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल निजी डाटा सुरक्षा बिल 2023 नूं मंजूरी दे दित्ती है। देश विच सीधे टैक्सा की कुल वसूली 16% के वाधे नाल 6.53 लाख करोड़ रूपये ते पहुंच गई है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है।